इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। Axogurd-SR टैबलेट एक नुस्खे वाली दवा है जिसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की कैल्शियम चैनल गतिविधि को संशोधित करके दर्द को कम करता है। यह दवा तंत्रिका तंतुओं की भी रक्षा करती है और क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं को ठीक करती है। Axogurd-SR टैबलेट को खाने के साथ या खाने के बिना मुंह से लिया जाता है, खासकर रात को सोते समय। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समान स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें क्योंकि यह आदत बनाने वाली दवा है। यदि आप इस दवा की एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर जल्द से जल्द इसे लें। बेहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोर्स पूरा करें। यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर से बात किए बिना यह दवा अचानक बंद न हो। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर आना और नींद आना शामिल हैं, इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यकता हो। दुष्प्रभाव प्रकृति में हल्के होते हैं और समय के साथ सुधर जाते हैं। इस दवा से वज़न बढ़ सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि आप मूड या व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन, नए या बिगड़ते अवसाद या आत्मघाती विचारों का विकास करते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।